जन अनुशासन पखवाड़े में हरियाणा बॉर्डर की चौकियों पर सख्ती। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने हरियाणा की सीमाओं का लिया जायजा। सूरजगढ़ उपखंड की पीपली व पिलोद की चेक पोस्ट का लिया जायजा। बॉर्डर की चौकियों पर व्यवस्थाओं के साथ आगमन की ली जानकारी। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के आने के बाद बेकाबू हो रहे हालातों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू जन अनुशासन पखवाड़े में बॉर्डरों को पूरी तरह सील कर निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक के दिशा निर्देश के बावजूद झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान भी जिले से जुड़ी हरियाणा की सीमाओं को लेकर विशेष चौकसी बरतते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर उमरदीन खान बॉर्डर की चौकियों के निरीक्षण के दौरान वहां की व्यवस्थाओं के साथ वाहनों के आगमन के संबंध में चौकी पर तैनात कर्मचारियों की जानकारी ली। इस दौरान मौजूद कर्मचारियों को जिला कलेक्टर ने हरियाणा की ओर से आने वाले सभी निजी वाहनों को प्रवेश न देने की हिदायत देते हुए निजी वाहनों को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ही जिले में प्रवेश देने की बात कही है। जिले में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मीणा, SDM अभिलाषा सिंह व DYISP सुरेश शर्मा, तहसीलदार सतीश राव, BCMHO डॉक्टर सलेश, वहीं सूरजगढ़ थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा, पिलानी थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश यादव सहित अनेक लोग मौजूद थे। आने वाले और दिल्ली से आने वाले यात्री और उनकी जो बसेज हैं उनको चेक करने के लिए बाकायदा फिलोद और पीपली में चेक पोस्ट स्थापित की गई है। उन दोनों चेक पोस्टों को अभी देखा है। व्हीकल्स का मूवमेंट ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए अधिकारी और जो यहाँ के लोकल हैं पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त पाबंद किया है। बिना जांच किए, बिना RT-PCR के और बिना उनका डिटेल लिए किसी को भी नहीं जाने दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे इमरजेंसी का हो, चाहे बाकायदा कमर्शियल व्हीकल हो। और कमर्शियल व्हीकल भी इमरजेंसी की स्थिति में अंदर जाएंगे। जो बसें हैं, बसों में बाकायदा 50% से ज़्यादा नहीं होंगे। वो सारे कोरोना बिहेवियर से रिलेटेड उनकी गाइडलाइंस उनकी सख्ती पालना करते हुए जाएंगे। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो लगातार जा रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लगातार जा रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।